हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास सेकेंड। ओके, ओपन योर बुक। सब्जेक्ट EBS। देखिए, चैप्टर 4 हमने आपको समझाया था, जो कि किस बारे में था, फूड के बारे में। ठीक है, जो हम चीज़ें खाते हैं उसके बारे में। उसके बाद मैंने आपको काइंड्स ऑफ फूड बता दिए थे, एनर्जी गिविंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड। उसके बाद मैंने आपको बॉडी बिल्डिंग फूड भी समझा दिए थे। आज मैं आपको समझाऊंगी कुक्ड एंड अनकुक्ड फूड। मतलब कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनको हम पका के खाते हैं, और कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनको हम बिना पकाए ही खा लेते हैं। जैसे कि फ्रूट्स हैं, इनको पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट है, पनीर है, चीज़ है, इनको भी पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इनको भी हम कच्चा खा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कैरेट है, टमाटो है, ये भी हम कच्चे ही खा सकते हैं, इनको भी पकाने की ज़रूरत नहीं है। बट पोटैटो है, मीट है, इनको हमें पकाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो देखिए, वी नीड टू कुक वेजिटेबल्स, पल्सेज एंड मीट बिफोर ईटिंग। हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है पकाने की? वेजिटेबल्स, पल्सेज एंड मीट, ये हमको खाने से पहले पकाने की ज़रूरत होती है। कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्ट, टेंडर एंड टेस्टी। जो कुकिंग होती है वो फूड को क्या बनाती है? सॉफ्ट एंड टेंडर, सॉफ्ट एंड टेस्टी बनाती है, मतलब मुलायम और स्वादिष्ट बनाती है। इट इज़ इजियर टू डाइजेस्ट कुक्ड फूड। और ये जब हम कुकिंग करके इन फूड को खाते हैं तो ये अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती है। बट सम फूड कैन ऑल्सो बी ईटन रॉ, लेकिन कुछ फूड होते हैं जो कि हम कच्चे ही खाते हैं, जैसे कि ये हैं। ठीक है, ओके, देखिए आगे। व्हाई डू वी ड्रिंक वाटर, हम पानी क्यों पीते हैं? यह भी मैं आपको बताती हूँ। पानी, क्योंकि वाटर तो बहुत ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, वाटर इज एन एसेंशियल कंपाउंडेंट ऑफ फूड। ठीक है, जो वाटर होता है वो एक बहुत ज़रूरी पदार्थ होता है फूड के लिए, खाने के लिए। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड मटेरियल। ये ही एक ऐसा है जो बहुत इम्पोर्टेंट है फूड मटेरियल में। मतलब हम किसी भी तरीके का खाना खाएंगे, कुछ भी खाएंगे, पर वाटर हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड। ठीक है, ये एक क्या होता है, डाइजेस्ट फूड होता है। ये हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में खाना को। जो खाना डाइजेस्ट कब होगा? जब हम अच्छी तरीके से पानी पियेंगे। ठीक है, इट हेल्प्स टू थ्रो अवे वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। और ये क्या हेल्प करता है किसमें? जो हमारी बॉडी में वेस्ट चीज़ें होती हैं उनको बाहर निकालने में। वी मस्ट ड्रिंक इनफ वाटर एवरी डे टू कीप अस हेल्दी। ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी है कि हमें एवरी डे अपनी हेल्थ के लिए वाटर पीना चाहिए। जरूरी वाटर पीना चाहिए, क्योंकि इसी से हमारी हेल्थ अच्छी होती है। ठीक है, हेल्थ के लिए वाटर पीना बहुत ज़रूरी है। वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन फूड। ठीक है, अब मैं आपको वेजिटेरियन फूड और नॉन वेजिटेरियन फूड के बारे में बताऊंगी। आपने देखा है कुछ लोग मीट खाते हैं, एग खाते हैं, फिश खाते हैं, तो वो लोग क्या होते हैं? नॉन वेजिटेरियन होते हैं। और कुछ लोग फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है, मिल्क लेते हैं, इस तरीके की पल्सेस खाते हैं, इस तरीके की चीज़ें, वेजिटेबल्स, ये लोग क्या होते हैं? वेजिटेरियन होते हैं। ओके बच्चों,